नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फोन के एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, जो कि आपको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आप चाहते हैं कि किसी भी फ्रेंड्स को नंबर है जो कि ब्लैक लिस्ट में डाल दें और उसका कॉल नहीं आए फ्रेंड्स। तो आज इसी सेटिंग के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, जो कि इस ब्लैक लिस्ट के कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, जो कि अगर आप अपने फ़ोन में ये ब्लैक लिस्ट में तो किसी फ्रेंड्स को डालते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे सेटिंग है फ्रेंड्स जो कि उसको आपको इनेबल करना ज़्यादा जरूरी है, और उससे क्या होगा कि आपको फायदे भी कुछ होंगे फ्रेंड्स। उससे क्या हुआ, उस सेटिंग को आप इनेबल कर देगा फ्रेंड तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी किसी फ्रेंड्स को अगर डाल देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा फ्रेंड। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड एंड कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह आप अपने फोन में कॉल को ब्लॉक में कर सकते हैं और उसका ऑल फीचर के बारे में मैं आपको बताता हूं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में चले फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल के सेटिंग में जाता हूं फ्रेंड्स। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे ऐप में चले फ्रेंड। तो देखिए मैं यहां पे ऐप में आ जाता हूं फ्रेंड्स। ऐप में आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आप देखें सिस्टम ऐप सेटिंग, तो आपको सिस्टम ऐप सेटिंग में जाना होगा फ्रेंड्स। सबसे ऊपर में है फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्लिक करता हूं फ्रेंड। यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें कॉल सेटिंग, तो कॉल सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करते फ्रेंड। यहां पे कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें ब्लैक लिस्ट, तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला बात कि यहाँ पे अगर आपको ये ब्लैक लिस्ट है जो कि इस तरह अगर बंद रहेगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसको इस तरह ऑन करना होगा फ्रेंड्स। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स जो कि एसएमएस ब्लॉक, अगर आपको इसको अगर यहाँ पे ऑन कर देते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या होगा कि एसएमएस ब्लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स, वो मैसेज नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स कॉल ब्लॉक, तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉल ब्लॉक लिस्ट है, तो यहाँ पे इसको पर यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे देखें फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स, अगर इसको पर यहाँ पे अगर सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको ऑन कर देते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके फोन में जितने भी सेव कॉन्टेक्ट है फ्रेंड्स उसमें का किसी का भी कॉल नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे ये बात का ध्यान दें फ्रेंड्स, अगर ब्लैक लिस्ट में डालना है फ्रेंड्स तो इसको आपको फालतू का ऑन नहीं करना है फ्रेंड्स, जो कि ये बहुत ही जरूरी आपको ये सेटिंग है फ्रेंड्स। कई बार होता है क्या फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि उनको पता नहीं रहता और इसको जाके ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है कि किसी का भी कॉल नहीं आ पाता है फ्रेंड्स। तो इसको फ्रेंड्स आप बंद करके ही रखें फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहां से मैं बैक जाता हूं फ्रेंड्स। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहां पे ब्लॉकेड नंबर, तो यहां पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहां पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें, मान के चले मैं एक नंबर को यहां पे ब्लॉक करके रखा हूं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसमें मान के चले मेरे को और भी ऐड करना है, तो यहां पे देखिए ऐड पे यहां पे नीचे वाले पे क्लिक करें फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें ऐड फोन नंबर, यानी कि फर्स्ट वाले ऑप्शन पे है फ्रेंड्स कि अगर आप यहां पे करेंगे तो इसको आप जो भी नंबर है वहां पे यहां पे टाइप करके कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें चाहते हैं कि इस नंबर का पर्सनली इस नंबर का सिर्फ आपको कॉल ब्लॉक करना है या फिर इसका कॉल आए अब एसएमएस ब्लॉक करना है, तो आप बहुत ही आसानी से यहां से चूज कर सकते हैं आपको क्या चीज इसका बंद करना है, कॉल बंद करना है या फिर आपको एसएमएस इसका ब्लॉक करना है। तो इस फीचर का भी मेरे को अच्छा लगा, उसके बाद यहां पे करके यहां से ओके कर दें फ्रेंड्स। उसके बाद मैं यहां पे बैक जाता हूं फ्रेंड्स। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मान कर चलिए आप जिस भी व्यक्ति का, मान कर चलिए मैं एक व्यक्ति का ब्लॉक कर दिया हूँ फ्रेंड्स, तो इसमें आपको चेक करने का होगा फ्रेंड्स कि अगर ब्लॉक में भी अगर किया है तो उसको किस तरह क्या क्या ब्लैक लिस्ट में अगर उसको डाल दिया तो फिर भी आपको पता, वो जब भी कॉल करेगा तो आपको इसमें यहाँ पे पता लग जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह आप दबाएं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मैसेज किया है या नहीं, आप ब्लैक लिस्ट में भी डाल देना तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो मैसेज किया है कि नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक बार मैसेज आया है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आप चेक कर सकते हैं वो डायल कितने बार कॉल किया है, उसके बाद सेंड मैसेज कितना किया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसको चाहते हैं कि इस नंबर को अनब्लॉक करना, तो यहाँ सबसे नीचे में अनब्लॉक भी कर सकते हैं, मान के चलिए इसमें ब्लॉक करते समय नंबर को गलत डायल कर दिया तो यहाँ से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं इस नंबर को, तो इस तरह बहुत ही आसानी से इसको भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहां पे बैक जाता हूं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे नीचे में देखें फ्रेंड्स ब्लैक लिस्ट नोटिफिकेशन में यह है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। मान कर चलिए आपको किसी भी फ्रेंड्स को ब्लैक लिस्ट में नंबर को डाल दिए हैं और वो कॉल कर रहा है, तो आपको यहां पे अगर यहां पे नेवर पे रहेगा फ्रेंड्स तो आप ब्लैक लिस्ट में उसको नंबर तो डाल दिए लेकिन अगर वो कॉल करेगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब अगर यहां पे
ऑल नंबर पे क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप ऑल नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो क्या हुआ कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में उस नंबर को डाल दिए, अगर वो दोबारा कहीं भी कॉल भी करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन उसको पता नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो ये भी मेरे को फीचर बहुत ही यूजफुल लगा फ्रेंड्स। तो आपको इन फीचर में से कौन सा सबसे ज़्यादा फीचर आपको अच्छा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।